सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मीठी नींद, मीठे सपने, हो गया सवेरा अब तो जागो, चांद भी छुप गया फिर रात के इंतजार में, एक नया दिन शुरू करो अपने मंजिल की तलाश में। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। आज का पंचांग 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र 2:30 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आज उन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्व अपने मन की आवाज को दे, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते और बोलते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से दूर ना जाएं। दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी करेंगे। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक ही की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड खराब हो सकता है। दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, आप अपने जीवन साथी की बाहों से दूर नहीं हो सकेंगे। किसी का उचित मार्गदर्शन मिलेगा तथा आगे बढ़ने के शुभ अवसर भी मिलेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी भी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे और सफल भी रहेंगे। आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वही लक्ष्य किसी और व्यक्ति को मिल सकता है, जिससे तकलीफ हो सकती है। जलन की भावना न होने दे, खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। वर्तमान में भले ही आपको सफलता मिल रही है, लेकिन जल्द ही परिस्थिति सुधरेगी। काम से संबंधित गलतियों से सीख मिलेगी जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। दूसरों के बढ़ते दखल अंदाजी के कारण रिलेशनशिप के लिए नकारात्मक भावना होगी। लो बीपी और शुगर से संबंधित तकलीफ बढ़ने की संभावना है। अभी आप आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं, अकेले रहने के लिए समय निकालें। पारिवारिक चिंताएं जो शायद दादा दादी से जुड़ी हुई है आपके दिमाग में होगी। आराम करें और सपने या अपनी और चेतना द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को देखें। अपनी देखभाल में बिताया समय हमेशा अच्छा गुजरता है। सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगी। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है, किंतु आने वाले समय में आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिसके अभी सपने देख रहे हैं। आप उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाएंगे जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर रही है, और निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। आप अपने घर में पूजा पाठ आदि का आयोजन कर सकते हैं। आज आपको किसी को धन उधार बहुत सोच विचार कर देना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ कामों को लेकर असमंजस्य बना रहेगा, जिसका असर आपके कामों पर भी पड़ेगा। यदि किसी सदस्य के विवाह को लेकर समस्या आ रही थी तो वह दूर होते दिख रही है। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे। सावधानियां, कुछ लोग व्यवधान भी डालने का प्रयास आज करेंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। धैर्य और संचय बनाए रखें। अपनी
व्यक्तिगत बातों को किसी के भी समक्ष जाहिर न करें, वरना आपका ही नुकसान होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। यह अपने रिश्तों को मजबूत और घावों को भरने का समय है। ग्रह इस तरह से पंक्तिबद्ध है कि आपको ये एहसास होगा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है और अपने पुराने रिश्तों और अपनी जिंदगी को और भी मजबूती देनी है। आपके जो भी मुद्दे और शिकायतें थे उनका आपको एहसास होगा कि इसकी वजह से आपके रिश्ते में कितनी खटास आई थी, जो कि अपने जरूरत से ज्यादा उठाए थे। तन्हाई और अकेलेपन से बचने के लिए अपने दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। अपने और अपने साथी के बीच में दूरियां ना आने दें। धोखे या ठगी से बचने के लिए अपने साथी की सलाह अवश्य लें। ध्यान रखें, रिश्ते में मनमुटाव होना स्वाभाविक ही है, बस समय रहते इन्हें दूर कर लें। आज सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है। आप अपने प्रेम संबंधों में एक नए मोड़ का अनुभव करेंगे, जिससे यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएगा। नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है। अगर किसी को चाहते हैं तो दोस्ती से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा। बात करते हैं करियर की। आज दीर्घकालिक निवेश ना करें। आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उचित है। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजें। दान करने या नॉन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। संबंध और साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन के चरण में आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके भविष्य शानदार होगा। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें और जल्दी ही आप विजेता के रूप में उभरेंगे। याद रखें, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करवाएंगे। यह आपके वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाली है। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वहन पूरा ना हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। पूरा ध्यान बिजनेस की मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के प्रमोशन पर लगाएं। बेहतरीन संभावनाएं मिलेगी। सरकारी नौकरी में बॉस व अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आज कहीं स्पेशल ड्यूटी लग सकती है। आज पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का साथ भी मिलेगा। अपने प्रयासों से सफलता की प्राप्ति होगी। दोपहर में निराशा रहेगी। परिवार का साथ बना रहेगा। उत्साहित न रहें। शाम को कार्य की अधिकता होगी और आय में सुधार होगा। अटके कार्यों में गति आएगी। सहयोग भी प्राप्त होगा। बात करते हैं सेहत की। अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास असंभव से उलझनों में फंस कर रह जाएंगी। कोई कारण भी समझ नहीं आएगा। टीम के रूप में काम करने से ये समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। इस बीच अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ना भूलें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।